हाँ बताइए मैडम, कहाँ चलना है? कनॉट प्लेस भाई साहब। नहीं, वो होटल रॉयल क्लिफ लेना प्लीज। रॉयल क्लिफ क्यों? हम दोनों दिव्या के घर नहीं जा रहे क्या? दिव्या को दिल्ली से शिफ्ट हुए 8 महीने हुए। जल्दी बताइए मैडम, कहाँ चलना आपको? एक मिनट भाई साहब, तो ये बात तुमने मुझसे छुपाई क्यों? ओह, मैं समझ गई प्रिया, तू यहाँ मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करने या तेरी शॉपिंग करने नहीं बल्कि उस इमी को ढूंढने आई है। वो क्या है? आई डोंट वांट टू लिसन टू यू। मैं जा रही हूँ। हनी, मैं कुछ चीज सुनना चाहती हूँ। मेरी बात तो सुनो हनी। अगर तू उस पुराने साये के पीछे पड़ना चाहती है देन आई एम नॉट विथ यू। हनी, हाँ ये सही है कि मैं इमी को यहाँ ढूंढने आई हूँ। इन दैट केस प्रिया, आई एम नॉट विथ यू। ये काम तुझे अकेले करना पड़ेगा। दिस इज रिडिक्युलस। 4 दिन बाद तेरी शादी है, तू एक नई जिंदगी शुरू करने जा रही है और तू है कि उस 3 साल पुराने साय को ढूंढने निकली है। हनी प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, आई हैव टू डू दिस। मेरा दिल यही कह रहा है कि इमी ही मेरा जीवन साथी है। तकदीर मुझे बार बार यही इशारा कर रही है कि अगर मैंने उसे ढूंढने की आखिरी कोशिश नहीं की तो इस बात को लेकर जिंदगी भर मेरे दिल में दरार रहेगी। आई प्रॉमिस यू हनी कि अगर वो इन 3 दिनों में नहीं मिला तो मैं उसे हमेशा के लिए भुला दूंगी। तू सच कह रही है प्रिया? आई एम सो सॉरी, आई एम विथ यू। चलो प्रिया, पहले इमी के कॉलेज चलते हैं। Are you okay? Priya, it's Gucci. Wow, what a wonderful purse. Priya, same to same ditto tere paas bhi hai na? Lekin tera wala 2500 ka hai. Iski kimat kya hai bhai sahab? 120 rupaya. Just 120 and that too made in USA. Ye Bombay ki USA hai. Ullas Nagar Sindhi Association. Ye dekh, isme ek si zyada hai. To kya hua? Zyada hai ye na? Kam to nahi? I'll buy it. मिम साहब, 50 रुपए का छुट्टा नहीं है मेरे पास। 20 रुपए छुट्टे दीजिए ना। मेरे पास भी छुट्टे नहीं है। मैडम के पास होगा। प्रिया, तेरे पास 50 के छुट्टे हैं? देख लेना। रख दिया है और 50 के छुट्टे ले लिए। सॉरी मैम, 3 साल पहले इमी नाम का एक भी स्टूडेंट इस कॉलेज में नहीं पढ़ता था। लेकिन उसने इसी कॉलेज का नाम लिया था। इमी उसका पेट या निकनेम होगा, लेकिन जब तक आप मुझे उसका पूरा नाम नहीं बताएंगी, उसका सरनेम नहीं बताएंगी, मैं आपकी मदद नहीं कर सकती। असली नाम तो मुझे भी नहीं पता, सब उसे यही बुलाते थे। वो 3 साल पहले बैंकॉक फेस्टिवल के लिए गया था। जस्ट गिव मी अ सेकंड। सॉरी, इस ग्रुप में भी उसका नाम कहीं नहीं है। उफ, क्या यार प्रिया, मोहब्बत में इतनी दीवानी हो चुकी थी कि उसका पूरा नाम भी नहीं पूछा। जिस नोट पे उसने अपना नंबर लिखा था वो भी याद नहीं रखा और उसे पूछा भी नहीं कि दिल्ली में वो कहां रहता है। फोन नंबर कैसे याद रखती है? उफ, पर हाँ, उसने मुझे कहा कि वो वसंत कुंज में रहता है। वसंत कुंज एड्रेस है तेरे पास? नहीं, वो तो मैंने नहीं पूछा। ब्रिलियंट, तेरे कहने का ये मतलब है कि पूरे वसंत कुंज में उसे ढूंढेंगे? अरे हैव यू गॉन मैड? वसंत कुंज इतना बड़ा एरिया है कि ट्राई तो कर सकते हैं। पता था तुमने बहुत बड़ी गलती की है यहाँ पर आकर। अरे ये तकदीर, डेस्टिनी, ये सब तुम्हारा वहम है। मुझे पता है इमी का कोई पता नहीं चलने वाला।
is a special evening on Radio Mirchi 98.3 FM, bumper to bumper, जो कि आप सुन रहे हैं अर्चना के साथ। आज शाम हमारे साथ है अपकमिंग कोरियोग्राफर मिस प्रिया मल्होत्रा, जो कि आई है ऑल द वे फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली। बट होल्ड ऑन, ये यहाँ पे अपने प्रोफेशन से जुड़ी नहीं, बल्कि अपने 3 साल से बिछड़े हुए प्यार इमी को ढूंढने आई हैं। आई विश यू ऑल द लक प्रिया, यूर ऑन। इमी, मैं प्रिया बोल रही हूँ। मैं आज सिर्फ तुम्हें ये कहने आई हूँ कि आज से 3 साल पहले बैंकॉक में जो कुछ भी हुआ था, मैंने उसके लिए तुम्हें माफ कर दिया है। इमी, तकदीर पे भरोसा करके मैंने तुम्हारे सामने बहुत मुश्किल इम्तिहान रख दिया था। आई मेड अ बिग मिस्टेक, मुझे माफ कर दो। मैं सिर्फ तुम्हें ढूंढने के लिए दिल्ली आई हूं। अगर तुम मेरी आवाज सुन सकते हो तो प्लीज मुझे फोन करो, मैं तुम्हें मिलना चाहती हूँ, एक बार तुम्हें देखना चाहती हूँ, अपनी दिल की बात कहना चाहती हूँ। इमी, आई लव यू, आई लव यू वेरी मच। प्रिया रिलैक्स, प्रिया प्लीज, प्रिया दैट्स योर फर्स्ट कॉल। हेलो, हेलो प्रिया, हाय, मेरा नाम भी इमी है। लेकिन मैं तुम्हारा इमी नहीं बोल रहा हूँ। प्रिया, एक्चुअली एक हफ्ता पहले मेरी और मेरी गर्लफ्रेंड का झगड़ा हुआ, इसलिए मैं समझ सकता हूँ कि प्यार में जुदाई का मतलब क्या होता है। प्रिया, लेकिन आज हम दोनों का पैचअप हो गया है, इसलिए मैंने तुम्हें गुड लक विश करने के लिए फोन किया है। हेलो, हेलो प्रिया, मैंने तुम्हारी कहानी सुनी, मैं चाहता हूँ तुम्हें तुम्हारा ईमेल मिल जाए। हेलो प्रिया, मैम, प्रिया जी चिंता मत कीजिए, मुझे पूरा यकीन है कि आपको आपका ईमेल जरूर मिल जाएगा। हेलो, हाय डैड। बेटा जी, क्या हुआ, हुआ क्या, तुम तो 2 दिन पहले आने वाले थे। जी एक्चुअली मुझे जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे, यहाँ आज बैंक हॉलिडे, इसलिए मिले नहीं डैड। ठीक है बेटा, लेकिन जल्द से जल्द आने की कोशिश करना, क्योंकि सोफिया और बाकी के लोग बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ओके, डोंट वरी डैड, मैं मंडे शाम तक पक्का वापस आ जाऊंगा। वेरी गुड। किसी किसी, दैट्स माय बॉय। कहते हैं कि तकदीर से बढ़कर कुछ नहीं। अरे हनी, एक सेकंड पीछे ले, थोड़ा। लेकिन मैं पर्सनली ये मानती हूँ कि तकदीर से बढ़कर है विश्वास, क्योंकि अगर इंसान में विश्वास हो तो वो अपनी तकदीर को बदल सकता है, इतनी ताकत है उसमें। Faith can move mountains, you know. मैम, मुझे इस क्रेडिट कार्ड नंबर के ओनर का एड्रेस चाहिए। What? क्रेडिट कार्ड नंबर से ओनर का एड्रेस? Yeah. You gotta be joking. मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन बिल्कुल नहीं दे सकती, ये हमारे बैंक के रूल्स और रेगुलेशंस के खिलाफ है। You can go now. मैं समझ सकता हूँ मैम, लेकिन मैं दिल्ली से बॉम्बे खास इसी काम से आया हूँ। If you could just hear me out for a minute. No, please, please don't waste my time. शायद आपने सुना नहीं कि ये हमारे रूल्स के खिलाफ है, मुझे इस ऑफिस को रन करना है, एंड फ्रेंकली मुझे आपके प्रॉब्लम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, आपको मेरे प्रॉब्लम में इंटरेस्ट क्यों होगा, मैं आपका रिश्तेदार तो लगता नहीं। Exactly. लेकिन इंसानियत के नाते सिर्फ 5 मिनट, आप मेरी बात तो सुन सकती हैं। अगर आपको फिर भी लगा कि आप मुझे वो डिटेल्स नहीं दे सकते, मैं चला जाऊंगा। ओके, सिट डाउन। जिस लड़की का पता मैं आपसे मांग रहा हूं, मैं, उसका नाम प्रिया है और मैं उसे बहुत प्यार करता हूं, लेकिन आज से 3 साल पहले अपनी गलती की वजह से मैंने उसे हमेशा के लिए खो दिया।
तीन सालों में एक ऐसा दिन नहीं बीता मैम जब मैंने प्रिया के बारे में ना सोचा। I'm sorry. मुझे लगता है कि मैंने तुमसे बहुत रूड तरीके से बिहेव किया है ना, लेकिन मेरी भी गलती नहीं है। आजकल लोग अपने खुद के काम में इतने बिजी हो गए हैं कि किसी दूसरे का दुख और दर्द उन्हें दिखाई ही नहीं देता। लेकिन योर स्टोरी हैज रियली टच्ड माय हार्ट और मुझे लगता है कि मैं इस बैंक के कुछ रूल्स तुम्हारे लिए जरूर तोड़ सकती हूँ। हाउ अबाउट दैट? Excuse me, ma'am. Yes. What can I do for you? Priya को बुला देंगी please? Priya? Priya Malhotra? Priya Malhotra 2 साल पहले इधर रहता था। अच्छा आंटी वो अब कहाँ है आपको पता है? हाँ पर दिख रहा तुम कौन है? जी मेरा नाम इमी है, मैं दिल्ली से आया हूँ। अरे कुराई जी, तुम इमी है? जी यस। ओह कुड यू होल्ड दिस प्लीज? ओह माय गॉड, जस्ट एज आई इमेजिन्ड। आंटी प्रिया कहाँ है? अब क्या फायदा, तुमने आने में बहुत देर कर दी। दिख रहा 4 दिन पहले प्रिया का एंगेजमेंट था, हम खुद वो फंक्शन अटेंड किया और उसका दूसरा दिन वो दिल्ली चला गया अपना फियांसी के साथ। अगर वो दिल्ली में है तो वहां मुझे जरूर ढूंढ सकते हैं मिसेस गांधी। अब उसको ढूंढने का क्या फायदा टीकरा, कल 4 तारीख था ना? हाँ। कल दिल्ली में प्रिया का शादी था। आपको जरूर गलत फहमी हुई है मिसेस गांधी। काश मेरे को गलत फहमी होता ठीकरा। कल से प्रिया का नया जिंदगी शुरू हुआ है तो मेरे किस्मत में उसका साथ लिखा ही नहीं था। भूल जाओ उसको ठीकरा।